गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फ्रैक्शन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। कहता है राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर, यानी आपको फ्रैक्शन लिखना है इसका। आपको ये फ्रैक्शनल नंबर का ये दे दिया गया है वर्ड में, आपको इसका फ्रैक्शन लिखना है। जैसे 2/5, यानी 2 को 5 डिफरेंट पार्ट्स में बांटेंगे, उसको लिखेंगे 2/5, इसको लिखेंगे 2/5। 1/6 यानी 6 का एक भाग, थ्री फोर्थ, ठीक है। इसी तरह जब आपको रहेगा क्वेश्चन राइट द फ्रैक्शनल नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, तब आप इसमें इसके जस्ट अपोजिट करेंगे, फिर मैं उसको भी बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता रहा हूं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स होता है समतुल्य भिन्न, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन है जब उसको हम लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सारे का वैल्यू एक जैसा आएगा। जैसे है 0.4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 2/3। अब 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी हम न्यूमरेटर में भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। जैसे अब हमको कहता है 0.4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 2/3, यानी 2/3 के लिए आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। यानी 2/3 लास्ट में जो वो फ्रैक्शन जो भी होगा फ्रैक्शन, उसको लास्ट में लोएस्ट फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो लास्ट में हमको आना चाहिए 2/3। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2/3 को न्यूमरेटर, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, ये हो गया आपको डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया ये एक ठो हो गया, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/3 का ये एक हो गया। फिर इसी तरह 2/3 को ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/9, फिर हो जाएगा 2/3 × 4/4, 8/12, 2/3 × 5/5, आपको हो जाएगा 10/15, ठीक है। यही इसका 2/3 का फर्स्ट फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। आप देख लो, इसको अगर हम सिंपलेस्ट करेंगे तो 2/5 होता है 10 और 3/5 15, यानी 2/3 आ रहा है। इसी तरह ये हो जाएगा 2/4 8, 3/4 12। इसी तरह यानी लोएस्ट फॉर्म हम जब करेंगे तो ये बेसिक ये आना चाहिए, ठीक है। अब एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको अच्छे तरह से समझ गए होंगे। फिर अब मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।